और भाई सब्जी मत छोड़ो, सारी खाना प्लीज। ठीक है नहीं फिर जोड़ तो बात बोलूंगा। इस पार्टर गैस पूरी 20% गैस नहीं किधर पे कोक का टेस्ट सेप नाप का टेस्ट पूरी टॉप। आज फिर से एक और राइड के लिए हम निकल पड़े हैं, एक लॉन्ग ड्राइव के लिए। और इस राइड में एक विशेष बात ये है कि ये राइड मेरी और शिवांका की फर्स्ट राइड है जो कि हिमाचल के लिए, मतलब अपनी खुद की गाड़ी में फर्स्ट माउंटेन राइड। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, बट थोड़ा सा जो है ट्रिकी है, थोड़ा सा रिस्की है, बट जब तक करेंगे नहीं तो भरेंगे कैसे। क्या भरेंगे बेटा, बैट लगाओ। सो हम निकले थे घर से 6 बजे और टाइम हो गया 7:42। ठीक है जी, और अभी हम पहुंच गए हैं सोनीपत, मतलब सोनीपत मूर्थल में हमने ब्रेकफास्ट किया है। उसके बाद हम निकल रहे आगे करनाल की तरफ। करनाल में हम अपनी सिस्टर को, अपने जीजू को पिक करेंगे और फिर वहाँ से आगे के लिए रवाना हो जाएंगे हिमाचल के लिए। सो आज का जो प्लान है वो है नैना देवी रुकने का, बट अब देखना ये है कि कितना टाइम हमें लगेगा वहाँ पहुँचने में। और भाई अपना जो है थोड़ा सा शेविंग मैंने थोड़ी सी इस बार चेंज कर ली है, थोड़ी सी मुछे मुछे रख ली है, और ये भी थोड़ा जल्दबाजी में हुआ था, मतलब ये 2-3 दिन पहले। एक्चुअली मुझे मेरी वाइफ, मेरी धर्मपत्नी ने बोला कि शेविंग कर लो, मैंने गुस्से में ट्रिमर घुसा, मतलब ट्रिमर मैंने चला दिया, और फिर क्या हुआ मैंने रख दी फ्रेंच रखने के बाद सब कुछ हो गया गड़बड़। उसके बाद जिसने ये शेविंग कर दी। एनीवे जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो प्लीज़ जज मत करना भाई, अच्छा लग रहा हूँ बुरा लग रहा हूँ, हूँ तो आपका भाई, क्यों भाई। बाकी मिलते हैं आगे। टाइम हो गया 8:36 और हम पहुँच गए करनाल के टोल पर। सो करनाल के अंदर हमारी एंट्री होने वाली है, हो ही नहीं है अभी, होने वाली है। भाई लोग मुझे कैसे लग रही है बताओ, वैसे मुझे पता है मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ इस बार, ये मजबूरी में काम हो गया मेरे साथ। चलो कोई बात नहीं, एनी वेज अच्छे लग रहे हो। हैं अंकल टाइप या आर्मी टाइप का? देख देख अच्छा लग रहा है, फिर ठीक है। हमारा प्लान था कि करनाल में हम 8 बजे पहुँच जाएंगे, बट फिर भी आधा घंटा लेट हो गए, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा हम लेट हो गए थे घर से निकलने में। 5 बजे का टाइम था निकलने का, लेकिन हम निकले सुबह 6 बजे। बेटा 6 बजे हम मेन रोड पे आए थे एक्चुअली में, वो 6 बजे ही बोलते हैं उसको। एक घंटे से लेट हो। चलो भाई टाइम हो गया 9:30 का और अब हम उनको लेके निकल गए हैं। ये मेरे जीजू है, हेलो, शिवांका पीछे बैठी है और हमारी गुड़िया भी पीछे बैठी हुई है। भाई सब अपने दरवाजे लॉक कर लो। तो भाई अब यहाँ से निकल गए हैं करनाल से, 9:30 बज गए हैं, अब आराम आराम से जाएंगे, देखते कितने बजे पहुंचना है। तो गाइस टाइम हो गया 12:52, रूपनगर पहुंचने वाले हैं। रूपनगर लगभग यहां से है 18-20 किलोमीटर के आसपास। कैसा रहा भाई सफ़र, मज़ा आया? जबरदस्त। तो ये फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और पीछे भी ये बातें कर रही है दोनों लड़कियां। हाँ लड़कियों कैसा लग रही है? अभी तो अच्छा लग रहा है, बाकी पहाड़ देख के पता लगेगा। अच्छा ये रास्ता बढ़िया है ना। फाइनली अनंतपुर साहिब जी हम पहुंच गए हैं और अब यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे हम लंच करेंगे। दिखे पहाड़? अब वो हल्के हल्के दिख रहे हो सामने, अरे अब तो पहाड़ नहीं दिख रहे। अभी क्या है कि हल्का हल्का पहाड़ हमें दिख रहा है, विजिबल नहीं हो रहा, लेकिन हल्का हल्का लाइट थोड़ा दिख रहा है। हाँ
तो अभी खाना वाना खाने रुके थे, अच्छे से पेट पूजा कर लिए और भाई साहब खाना बहुत टेस्टी था सच में। पहले हमारा प्लान था दाल वाल अलग से मंगाने का, लेकिन फिर हमने थाली मंगाई और थाली रही एकदम सक्सेसफुल। ये राहुल जी यहाँ पे पूरिया, क्या काम था, और ये निपटा दिए थाली यहाँ पे, ये अभी भी लगी हुई है, हाँ और क्या, और ये भाई रोटियों के पापड़ पड़े हैं यहाँ पे, और ये हमारा पेप्सी गिलास। तो सब एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा भूखे थे, मुझे तो एहसास ही नहीं था कि बेचारे इतने भूखे थे, सुबह से भूखे बैठे हुए थे। इसको चावल खाने थे आज, इसका मन था, लेकिन आज थी एकादशी तो चावल को आज इग्नोर कर दिया गया और रोटी के ऊपर इग्नोर कर दिया, स्किप कर दिया। बात एक ही है, हाँ इन्होंने सब्जी छोड़ी है, ये कितनी गंदी बात है, देखो कितनी गंदी बात है। और ये देखो इसको सबको निपटा दिया, थोड़ी सब्जी छोड़ी है बेटा, सारी सब्जी खानी चाहिए आपको। चलो मैं ना आपको 5 मिनट में करवा दूँ, हैं और क्या, आप खाओ, मैंने खा लिया अपना बेटा। बताओ भाई सब्जी छोड़नी अच्छी बात है कोई, अगर लिए तो सारी खानी चाहिए, नहीं क्यों राहुल भाई? हाँ बिल्कुल, अभी तो छोड़ी क्यों है फिर? मेरा देखो बिल्कुल ख़त्म है, आ गया बिल भैया। और भाई सब्जी मत छोड़ो, सारी खाना प्लीज़, ठीक है? ये अच्छी बात करी आपने। 2:21, अब यहाँ से निकलने की तैयारी, खाना वाना हमने खा लिया है, और सामने ये एक ढाबा है, और एक ये बहुत ही प्यारी सी रोड है, राहुल जी यहाँ पे है, और ये भाई गाड़ी में बैठ गए दोनों, दिख रहे हैं गर्मी के अंदर, बाप रे गर्मी भयंकर है, भयंकर गए है। आगे की ओर कैमरे का माउंट टूट गया थोड़ा सा आगे से, उसको बाद में फिक्स करेंगे, तो इसमें अभी मैंने हाथ पे पकड़ा हुआ है। और सामने हैं अपने प्यारे प्यारे मनमोहक से पहाड़, जिनको देख के सुकून सा आता है, पता नहीं इसमें कैमरे में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। और ये यहाँ पे फाउंडेशन लगा रहे दोनों, यहाँ पे लो भैया जी का शुरू हो गया, हो गया भैया ओके। नींबू तोड़ तो बात बोलूंगा, बाकी नींबू बाद विच पाऊंगा। नींबू स्कैन को स्टडी सोटो बाटे डीसी स्पार्टर गैस पूरी 20% गैस गोली वाले पत्ते विच नींबू पाक ठंडा लेमन चेल्ड जानी के पूरा ठंड पाओ। एक बारी पियोगी तो बार बार मांगूगी नींबू पानी, दो दिन प्यास नहीं लगूगी, बन गया टेस्टी। शरबत पानी स्कॉचमी खट्टी यानी मिट्टी मिट्टी खट्टी स्कॉचमी जानी के पूरा हो गया, सारे बन गया, दो तोड़े दो तोड़े। थैंक यू भैया, क्या स्टाइल है ना भैया का, हम तो यहाँ से निकल रहे थे, देखा भैया वही लग रहे हैं, फिर हमने रोक लिया। ये राहुल भाई यहाँ पे, हाँ भाई लो आज भैया को मिलवा दिया आपको हमने, मैं कह रहा भैया से ही मिलवा दिया हमने आपको, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, लाइव तो हमने फर्स्ट टाइम देखा है। वही तो हमने यहाँ तो निकल रहे थे एक्चुअली आनंदपुर साहिब जी की तरफ, हमने यूटर्न लिया, मैंने देखा यार भैया तो जाने पहचान लग रहे, तब मैंने देखा गैस पूरी 20% 20% है ना, सही है भाई। चलो आज भैया से ही मिल लिए, गजब है ना, सही हो गया, बहुत बढ़िया, तुम तो खुश हो गए देख के, बहुत। चलो शिकंजी भी ठीक है भैया की, वैसे 20 रुपये प्रति गिलास, 40 रुपये दो बंदों के, हमने दो शिकंजी पिए। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। अब यहाँ से जो है नाना देवी जी का सफर शुरू होगा पहाड़ों का, थोड़ा सा आगे जाके। चलो ना, अरे क्या बात है, क्या हो गया, अरे तो ले लो ना पहले। तो भैया नाना देवी जी के लिए पहाड़ शुरू हो गए हैं, और माता रानी के दरबार में हम जा रहे हैं भजन चलाते हुए, इतना मजा आ रहा है ना, मतलब बहुत ही मजा। पीछे भी दिखाओ भाई, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। हाँ हाँ क्या बात है,
रुक जा रुक जाओ। हाँ जी भैया, किस चीज़ के? अच्छा देना भाई, 50 रुपये दे दो। सो भाई नैना देवी हम पहुंच गए हैं, और मतलब होटल रूम भी ले लिए है। होटल रूम अपने को मिला है यहाँ पे 1600 रुपये का, जो कि बताया गया था 1800 रुपये का, जिसके अंदर एसी भी है, बहुत अच्छा व्यू भी है, जिसको मैं अभी दिखाने की हालत में नहीं हूँ, क्योंकि एक्चुअली में मैं बहुत थका हुआ हूँ, क्योंकि पैरों में भी दर्द है, थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है, ड्राइविंग कर करके मेरे पैरों में भी थोड़ा सा दर्द हो गया है, और हल्का सा शोल्डर में भी यहाँ पेन है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आधा एक घंटा मैं रेस्ट करूँ, उसके बाद मैं अगली वीडियो बनाऊँगा। ये अपना कुछ होटल है, यहाँ से एंट्री है हमारी, यहाँ एंट्री है, टीवी लगा हुआ है, इधर से बाहर का व्यू है बहुत ही अच्छा है, जो मैं आपको सच में दिखाऊंगा, बहुत ही प्यारा है। और ये लगा हुआ है मेरी टांट के ऊपर एसी, और यहाँ पे मैंने लगा दिया अपना एलेक्सा के साथ। एलेक्सा टाइम क्या हो रहा है बेटा? इट्स 5:28 PM। 5:28 PM तो ऑलमोस्ट 5:30 बज गए हैं। तो आज की जो दिनचर्या थी वो ये थी, सुबह 6 बजे हम निकले थे और करनाल पहुँचे थे, वहाँ से हमने राहुल जीजू को और गुड़िया को पिक किया था, उसके बाद फिर हम वहाँ से निकले थे, उसके बाद अब यहाँ पे हम पहुँचे हैं 5:30 बजे हैं, तो ऑलमोस्ट 12 घंटे से पहले हम यहाँ पे नैना देवी पहुँच गए, जिसके अंदर हमने बहुत मज़े भी किए, खाना भी खाया, रेस्ट भी किया, और आराम आराम से गाड़ी चला के भी आए, कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत ही अच्छा सफ़र रहा हमारा। और आशा है कि माता रानी के दर्शन भी अच्छे होंगे, कोशिश ये है कि अभी मैं थोड़ा 1-1.5 घंटा रेस्ट करूँगा, उसके बाद रेडी होके आराम से फ्रेश होके अच्छे से नए कपड़े पहन के माता रानी के दर्शन हम आज ही करने जाएंगे, ऐसी हमारी अभिलाषा है, बाकी माता रानी की इच्छा है कब वो हमें बुलाएंगी। अब जय माता दी। राहुल भाई आज के ब्लॉग का एंड करते हैं हम, है ना, ब्लॉग का एंड करते हैं। तो राहुल जी को बहुत ही अच्छा लगा, पहली बार पहाड़ पे आए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत शानदार, मजा आया, शानदार, एकदम शानदार एक्सपीरियंस था, बहुत बढ़िया, मजा आया ना, बहुत अच्छा, है? क्या बहुत अच्छा? सफर बहुत अच्छा, मजा आया बहुत। और अब यहाँ पे कैसा लग रहा है बैठ के आराम से नैना देवी जी के पास पहाड़ों में? है ठंड लग रही है, चल तू रेस्ट कर ले बहन। तो आशा है कि आप भी अपनी फैमिली के साथ घूमिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और इन जगहों को एक्सप्लोर करिए, और अपनी फैमिली को भी कराइए, और खुश रहिए, इतनी सी मेरी अभिलाषा है। तो मिलते हैं आगे आने वाले ब्लॉग पे, या तो सीधा मंदिर के दरबार में मिलेंगे अगले ब्लॉग में, या फिर मंदिर के दरबार में ही मिलेंगे।